हेलो फ्रेंड्स, ज्योति मेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा स्वेटर का डिजाइन बताने वाली हूँ, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सर, ये जेंट्स के स्वेटर में बहुत ही अच्छा लगता है। ये चार सिलाइयों का डिजाइन है और चार सिलाई में ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत और प्यारा सा डिजाइन बनाना। यहाँ मैं एक सिलाई पर कुछ फंदे इस तरीके से डाल दी हूँ और एक सिलाई मैं यहाँ सीधा करके बना ली हूँ। उसके बाद मैं इस पर ये डिजाइनिंग स्टार्टिंग करती हूँ। दोस्तों, आप जिस प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं, उस पर सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर बना लीजिए। और बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइनिंग सीधी साइड से स्टार्टिंग किया जाता है। ये मैं सीधी साइड से ये डिजाइनिंग स्टार्टिंग करती हूँ। ये साइड वाले फंदे हैं, तो साइड वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और धागा को आगे करना है और दो फंदे उल्टे बना लेने हैं, एक और ये दो। ये दो फंदे मैं उल्टे बना ली हूँ, धागा पीछे करना है, पांच फंदे सीधे बनाने हैं, एक दो तीन चार और ये लास्ट वाला फंदा है, पांच फंदा। फिर धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा बनाना है और पांच फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये फर्स्ट रो सीधी साइड से है, तो फर्स्ट रो सीधी साइड से मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं उल्टी साइड से आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं टोटल यहाँ 18 फंदे मैं यहाँ इस सिलाई पर डाली हूँ और ये डिजाइन मैं बना रही हूँ। तो ये पूरी सिलाई मैं यहाँ कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं उल्टी साइड से दिखाती हूँ। अब उल्टी साइड से क्या करना है, ये साइड वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर दो फंदे सीधे बनाने हैं। तो ये दो फंदे सीधे हो चुके हैं, फिर धागा को आगे करना है और पांच फंदा उल्टा बनाना है, फिर दो फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा। उल्टी साइड से बस इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, यानी जो फंदा जैसा है उसे वैसे ही बनाते जाना है। तो यहाँ मैं सीधी साइड से दो फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा करके बनाई थी और उल्टी साइड से पांच फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा करके मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ मैं दो सिलाई कंप्लीट कर चुकी हूँ और तीसरी सिलाई में आ चुकी हूँ। अब तीसरी सिलाई में क्या करना है, ये साइड वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, फिर धागा को आगे करना है, दो फंदा उल्टा बनाना है। ये दो फंदे मैं उल्टे बना ली हूँ। उसके बाद धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा बनाना है और ये देखिए, एक फंदा सीधा मैं यहाँ बना ली हूँ। अब इस तरीके से क्या करना है, दो फंदे में ऐसे करके सिलाई को डालना है। मैं दो फंदे में सिलाई को डाल दी हूँ और इस फंदे को पीछे ले आना है और ये दोनों फंदे को ऊपर से डाल देना है। उसके बाद ये दोनों फंदे को यहाँ मैं सिलाई पर डाल दी हूँ। अब क्या करना है, ये एक जाली यहाँ बनाना है। तो ये मैं एक जाली बना ली हूँ। उसके बाद ये दोनों फंदे को सीधे बना लेने हैं, जो फंदे को मैं पीछे से आगे की थी, ये दोनों फंदा को यहाँ मैं सीधा बना ली हूँ। अब ये क्या करना है, ये फंदा को, आगे वाले फंदे को जो मैं पीछे दी थी, इसे मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। ये उल्टा है, तो इस तरीके से इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद इस फंदे को और इस फंदे को, दो फंदे को यहाँ एक कर देना है। यहाँ पांच फंदा सीधा था और ये देखिए, पांच फंदा बन चुका है। एक यहाँ सीधा बना है, एक जाली वाला फंदा और ये तीन फंदा, पांच फंदे का पांच फंदा यहाँ है ही। फिर धागा को आगे करना है और दो फंदा उल्टा बनाना है। तो ये दो फंदे मैं यहाँ उल्टा बना ली हूँ। फिर धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा बनाना है और इस तरीके से एक बार इस पर जाली डालना है। उसके बाद पीछे से होते हुए दो फंदे में सिलाई को डालना है। ये दो फंदे में यहाँ मैं सिलाई को डालती हूँ, यहाँ दो फंदे में सिलाई को मैं डाल दी हूँ। ऐसे करके ये दोनों फंदे को इस सिलाई से निकाल लेना है और ये आगे वाले फंदे को पीछे ले आना है और ये दोनों फंदे को पुनः फिर इस सिलाई पर डाल देना है। उसके बाद इस दोनों फंदे को सीधा बना लेना है। इस दोनों फंदे को यहाँ मैं सीधा बना लेती हूँ। ये दोनों फंदा सीधा यहाँ बन चुका है।
अब ये फंदा को जो मैं यहाँ पीछे की थी इसे पहले सीधे कर लेने हैं। तो ये सीधा मैं यहाँ कर ली हूँ, और ये फंदा और ये फंदा, ये दोनों फंदे को मिलाकर यहाँ इसे सीधा बना लेना है। फिर धागा आगे करके दो फंदे उल्टे बनाने हैं। बस इसी तरीके से ये पूरी रो मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब उल्टी साइड से मैं दिखाती हूँ। उल्टी साइड से क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, दो फंदा सीधा बनाना है। तो ये दो फंदे मैं यहाँ सीधा बना ली हूँ, धागा आगे, फिर पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन, और ये देखिए ये जाली है, तो ये जाली को एक फंदा बना लेना है, और ये एक फंदा, पांच फंदा हो चुका। फिर धागा को पीछे दो फंदा सीधा, फिर धागा आगे और पांच फंदा उल्टा। ये इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये चार सिलाइयों का डिजाइन है, और यहाँ मैं चौथी सिलाई बना रही हूँ। तो ये चार सिलाई में एक डिजाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो इसे मैं सीधी साइड से आप सभी को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक डिजाइन ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। जैसे मैं शुरू से लेकर के यहाँ तक चार सिलाई मैं यहाँ बताई हूँ, बस इसी तरीके से चार सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। एक बार मैं पुनः आप सबको दिखाती हूँ। फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, दो फंदे को उल्टा बनाना है, ये दो फंदा उल्टा हो चुका, फिर पांच फंदे सीधे। बस इसी तरीके से पूरी रो फर्स्ट रो यहाँ कंप्लीट कर लेना है, दो फंदा उल्टा फिर पांच फंदा सीधा है। तो इसी तरीके से मैं फर्स्ट रो सीधी साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ मैं सेकेंड सिलाई में आ चुकी हूँ। आपको सेकेंड सिलाई में खुद ब खुद आपको दिखाई देने लगेगा, दो फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा, और यहाँ देखिए दो फंदा सीधा फिर पांच फंदा उल्टा। इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड सिलाई में दो फंदे सीधे फिर पांच फंदा उल्टा। इसी तरीके से मैं पूरी रो को यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ सेकेंड सिलाई में। अब मैं यहाँ तीसरी सिलाई में आ चुकी हूँ सीधी साइड से। तो अब क्या करना है, फर्स्ट फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है और दो फंदे को उल्टा बनाना है। तो ये दो फंदे मैं उल्टा बना चुकी हूँ, धागा को पीछे करना है, एक फंदे यहाँ सीधा बनाना है, ये मैं एक फंदे सीधे बना ली हूँ। और पीछे से क्या करना है, दो फंदे एक फंदे को छोड़ के उसके बाद इस दूसरे फंदे में सिलाई को डालना है, दो फंदे में। यहाँ मैं दो फंदे में सिलाई को डाल दी हूँ, और आगे से इस फंदे को ऐसे सिलाई से निकाल के पीछे कर लेना है, और इस दोनों फंदे को इस सिलाई पर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इस धागे से यहाँ एक फंदे बना लेने हैं, और ये दोनों फंदे को सीधा कर लेना है। ये दो फंदे को यहाँ मैं सीधा कर दी हूँ, और ये जो फंदा है जिसे आगे से मैं पीछे की थी, इस फंदे को उल्टा है तो इसे सीधा कर देना है। मैं सीधा कर दी हूँ, और इस फंदे को और इस फंदे को, दोनों फंदे को सीधा बना लेना है। फिर दो फंदा उल्टा बनाना है। बस इसी तरीके से तीसरी सिलाई यहाँ कंप्लीट कर लेना है। फिर एक फंदा सीधा बनाना है, और पीछे से होते हुए एक फंदे को छोड़ के दो फंदे में सिलाई को डालना है। ये दो फंदे में सिलाई को मैं डाल दी हूँ, और आगे वाले फंदे को पीछे ले आना है, और ये दोनों फंदे को इस सिलाई पर डाल देना है। ये दोनों फंदे को मैं यहाँ सिलाई पर डाल दी हूँ, और एक फंदा ले लेना है सिलाई पे, और दो फंदे को सीधे बना लेने हैं। तो दो फंदा सीधा हो चुका है। फिर क्या करना है, इस फंदे को इस तरीके से यहाँ सीधा कर लेना है, और दोनों फंदे को एक करके इसे सीधा बना लेना है। फिर धागा को आगे करना है, और दो फंदे उल्टे बनाने हैं। इसी तरीके से तीसरी सिलाई पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये तीसरी सिलाई मैं इस तरीके से यहाँ कंप्लीट कर ली हूँ। अब चौथी सिलाई में क्या करना है, अब चौथी सिलाई में क्या करना है, ये साइड वाले फंदे को ऐसे ही निकाल लेना है, दो फंदा सीधा बनाना है, फिर पांच फंदा यहाँ उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, फिर पांच फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा। बस इसी तरीके से ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट कर लेना है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ बनने के बाद ये डिजाइनिंग इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ये यहाँ मैं चार डिजाइनिंग बनाई हूँ, 1, 2, 3 और ये 4। ये देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन बन के कम्प्लीट हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को ये डिजाइन पसंद आया हो और मेरे बताने का तरीका आप सभी को पसंद आया, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि कोई नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।